वर्ड के इस सेशन में हम टेबल से रिलेटेड और भी चीजें सीखेंगे। आइए हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपन योर लास्ट सेव डॉक्यूमेंट। अभी हमें यहाँ सबसे पहला डॉक्यूमेंट खोलना है। हमने ऑलरेडी खोल रखा है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द हेडिंग ऑफ योर टेबल, अलाउ हेडिंग रिपीट रो रिपीट ऑप्शन, सी द इफेक्ट बाई यूजिंग टैब इंक्रीज द रो अंटिल द न्यू पेज अपियर। नाउ यू कैन सी द इफेक्ट। अभी आपको यहाँ पे अगर हम अपने टेबल के रो को हम बढ़ाना चाहते हैं तो टैब के जरिए हम ये कर सकते हैं, और ये हम जब बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट शीट पे जैसे ही ये रो आता है यहाँ पे कोई हेडिंग इंक्रीज मतलब हेडिंग नहीं आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि टेबल पे हेडिंग मतलब रिपीट हो हर एक शीट पे, जब भी नया शीट आए तो वहाँ टेबल के हेडिंग ऑटोमेटिक आ जाए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने टेबल के हेडिंग जितना भी हम चाहते हैं ले आना एज अ हेडिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, टेबल टूल्स के लेआउट में, और यहाँ प्रॉपर्टीज में इसमें रो में जाएंगे। यहाँ पे रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज, इसको टिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ हम अपने टेबल को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे ये हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे हमारा हेडिंग ऑटोमेटिक आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट योर टेबल एंड अप्लाई टेबल स्टाइल एज लाइट ग्रिड एसेंट 3। अब हमें टेबल पे स्टाइल यूज करना है। आइए तो हम चलते हैं टेबल स्टाइल यूज करते हैं। यहाँ हम टेबल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे टेबल टूल्स में ही डिजाइन में टेबल टूल्स डिजाइन में यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं जिसमें से हमें टेबल स्टाइल एस लाइट ग्रीन एसेंट 3 यूज करना है। लाइट ग्रिड एसेंट 3 हमारा टेबल का व्यू यहाँ देखेंगे चेंज हो गया इस तरीके से। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ एंड कन्वर्ट इट इनटू टेबल, सेपरेशन विल बी कॉमा। अब हमें अपने